आज हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ने वाले हैं, वो भी रीमान इंटीग्रेबिलिटी का। और इससे पहले, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डारबोक्स थ्योरम इस सब चीज़ के बारे में हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो पहले जाकर के डारबोक्स थ्योरम ये सब चीज़ आप जाकर के आप देख सकते हो। कहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर रियल एनालिसिस का पूरा एक वीडियो सीरीज है, आप वहां पर जाओ और सारे वीडियो को एक बगल से देखो, ठीक है। वैसे जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो है आपका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। और हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन बैंक में ये आया हुआ है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन रियल एनालिसिस का ये है, देखो। हाँ, 2016 में पूछा गया है, एस्टाब्लिश अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ फंक्शन। एंड और कहीं पूछा गया है भाई, नज़र अपनी पैनी नज़र, ओ अपनी आप पैनी नज़र जो है यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर 2012 में पूछा गया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप करते रहना, हम लोग इस क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन क्या अच्छे से थ्योरम को सीखेंगे, ओके। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। अरे बुक कहाँ चले गया यार, क्वेश्चन को उतारना भी था ना। अब यहाँ पर हमको रीमान इंटीग्रल का जो है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दिखाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ तो लें ये रीमान इंटीग्रल है क्या। इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, आप ध्यान से इस ग्राफ को देखो। यहाँ पर तीन तीन ग्राफ है आपके सामने। ये जो पहला ग्राफ है ये आपका रीमान इंटीग्रेबल का ग्राफ है, ओके। अब रीमान इंटीग्रेबल मतलब क्या हुआ, ये पूरा एरिया इसमें कवर हो रहा है जिसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है इस पूरे एरिया का, ठीक है। ये मेरा बाउंडेड एरिया है, इसी का जो हम इंटीग्रेशन निकालेंगे ना, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, रीमान इंटीग्रल। और रीमान इंटीग्रल को समझने के लिए आपको अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम समझना होगा। जैसे इसमें हम कोई इंटरवल ले रहे हैं x1 x2, इसका जो ये इन्फिमम और लेंथ का जो मल्टीप्लाई होगा सारे सब इंटरवल में, जब सबको हम जोड़ देंगे ना, तो जितना एरिया दिख रहा है आपको उसी को हम कहेंगे लोअर रीमान सम। ये पी पार्टीशन मतलब इस पी पार्टीशन में ए एक्स वन एक्स टू बी ये सारा पॉइंट का ग्रुप है, ठीक है। इसी पी पार्टीशन का लोअर रीमान सम ये निकल गया। अपर रीमान सम क्या, हम एक्स वन एक्स टू पॉइंट के लिए ही देख रहे हैं। इसमें भी जब हम लोग अब सुप्रीमम और लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये एरिया आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, रीमान इंटीग्रल के लिए हमको इस फंक्शन के नीचे सारा एरिया चाहिए, लेकिन लोअर रीमान सम में ये एरिया तो छूट गया एंड अपर रीमान सम में ये एरिया मैक्सिमम हो गया। तो बहुत इजी तरीका से कहा गया है इसमें रीमान इंटीग्रल में कि हम लोग जानते हैं भाई कि रीमान इंटीग्रल होने के लिए आपको ये कंडीशन होल्ड करना पड़ेगा कि लेफ्ट रीमान इंटीग्रेबल और राइट रीमान इंटीग्रेबल दोनों बराबर होना चाहिए। आप यहाँ एफ एक्स डी एक्स भी डाल सकते हो, अच्छा वो सारी बातें बाद में, पहले यहाँ ध्यान दो आप। मैंने क्या कहा, रीमान इंटीग्रल होने के लिए लेफ्ट रीमान इंटीग्रल और राइट रीमान इंटीग्रल दोनों बराबर होना चाहिए। अब ये लेफ्ट रीमान इंटीग्रल है क्या, लेफ्ट रीमान इंटीग्रल मतलब जो एल पी है ना एल पी, इसका सुप्रीमम वैल्यू ले। सुप्रीमम वैल्यू मतलब जो ये बचा हुआ है ऊपर एरिया वो भी नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसा क्या करें कि जो एरिया जो ऊपर बचा हो वो नहीं बचे, वो सब भी कवर हो जाए। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप यहाँ पर जो पॉइंट है ना, बहुत छोटा छोटा पॉइंट ले लो, इतना छोटा कि टेंस टू जीरो हो जाए डिस्टेंस, तब ये सब एरिया भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। जब यहाँ पर आप छोटा छोटा पॉइंट लोगे, जिसको हम कहेंगे अपनी भाषा में क्या कहेंगे, सुप्रीमम वैल्यू किसका, लोअर रीमान सम का। और अपर रीमान सम में आप यूज करते हो इन्फिमम वैल्यू अपर रीमान सम का, अपर रीमान इंटीग्रल में, हाँ बिल्कुल। अब ये क्या है अपर रीमान इंटीग्रल, ये सब जो एक्स्ट्रा एरिया आया है ना, ये सब एक्स्ट्रा एरिया को हटा देना है, नहीं चाहिए एक्स्ट्रा चीज हमको। तो हटाने के लिए सेम फंडा, वही छोटा छोटा पॉइंट में, आई मीन छोटा छोटा डिस्टेंस पर पॉइंट लेना, इतना छोटा कि टेंस टू जीरो हो जाए, तो ये सारा एरिया जो है ना वो नहीं आएगा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि अपर रीमान सम का इनफिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू इस फंक्शन पर ही आएगा, ठीक। जब दोनों इक्वल हो जाए ना, तब हम कहेंगे क्या कि रीमान इंटीग्रल है। तो बात एक दिमाग में अटका लो कि रीमान इंटीग्रल होने के लिए पहला छोटा छोटा पॉइंट होना चाहिए, बस। जैसे ही स्मॉलेस्ट पॉइंट हो गया डिस्टेंस,
सारे सब इंटरवल के बीच अगर टेंस टू जीरो का डिस्टेंस है, लगभग जीरो के बराबर, तो समझ लो भाई कि वो रीमान इंटीग्रल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि लोअर रीमान सम को हम फंक्शन के करीब ले जा रहे हैं, अपर रीमान सम को भी फंक्शन ऊपर से फंक्शन के करीब ला रहे हैं। इसका मतलब अगर लोअर रीमान सम भी फंक्शन में आ जाए, अपर रीमान सम भी फंक्शन पर आ जाए, तो ये सेम एरिया को कवर कर लेगा, और ये सेम एरिया ही तो मेरा रीमान इंटीग्रल है। क्या समझ रहे हो आप? मतलब अगर एलपी और यूपी बराबर हो जाए, एलपी और यूपी बराबर हो जाए, लगभग लगभग मैं कह रहा हूँ, अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये रीमान इंटीग्रल हो जाएगा। इसी को लिखने का तरीका है हमारे प्योर मैथ में क्या, कि यूपी ऊपर से आई मीन ग्रेटर वैल्यू से फंक्शन की तरफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यूपी आपका ग्रेटर ही रहेगा, और एलपी जो है आपका नीचे से फंक्शन की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो यूपी से छोटा ही रहेगा, क्योंकि यूपी तो कभी फंक्शन के नीचे नहीं आ सकता, जब भी रहेगा वो फंक्शन के ऊपर या फंक्शन पर रहेगा। तो यहाँ से आप प्योर मैथ में बड़े आराम से कर सकते हो, ये तो मेरा बिगेस्ट टर्म है, तो हम लोग यूपी में एलपी को घटाएंगे, अगर इसका वैल्यू जीरो के करीबन हो जाए, जिसको हम लोग प्योर मैथ में कहते हैं लेस देन एप्सिलॉन, तो तब मेरा फंक्शन जो है रीमान इंटीग्रल होगा। अब एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, जब हम लोग एप्सिलॉन की बात करेंगे तो वो वाई एक्सिस पर सबसे छोटा डिस्टेंस को देगा, जिसको हम लोग टेंस टू जीरो कहते हैं, इतना छोटा डिस्टेंस होता है वो, और जब हम लोग डेल्टा की बात करें तो वो एक्स एक्सिस पर सबसे छोटी डिस्टेंस को देगा। अच्छा, ये सारी बातों को तो आप साइड में रखो, अब हम लोग यहाँ आते हैं, हमको रीमान इंटीग्रल प्रूफ करना है। जो हमको प्रूफ करना है वो देखो, हमको प्रूफ करना है रीमान इंटीग्रल। इसको शॉर्ट में दिखाने का तरीका क्या है, कोई फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रल है तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, आई मीन इस ए बी इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो रहा है, रीमान इंटीग्रेबल हो रहा है, सारा एरिया कवर हो रहा है। हमको ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, बताओ बताओ, इस टर्म को दिखाना होगा हमको, बस यही हमको प्रूफ करना है। क्या अगर हमको ये टर्म दिया हुआ है तो ये टर्म मेरा प्रूफ होएगा, अगर हमको नीचे वाला टर्म ऐसा मान के चले कि हमको दिया हुआ है तो हमको ऊपर वाला टर्म को प्रूफ करना होता है, यही है मेरा। एक बार हम लोग नेसेसरी कंडीशन लेंगे एंड अगेन एक बार सफिशियंट कंडीशन लेंगे, दैट्स क्लियर। ठीक, इसको हम लोग डारबॉक्स से भी प्रूफ कर सकते हैं नेसेसरी कंडीशन को। अब आप बोलोगे भैया डारबॉक्स से कैसे प्रूफ करेंगे, बस सिंपल सा फंडा, यहाँ देखो डारबॉक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, यही दोनों टर्म हम लोग डारबॉक्स में पढ़े हुए हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है यूपी माइनस एलपी निकालना है, हमको यूपी माइनस एलपी निकालना है ना हमको, तो यहाँ पर यूपी में एलपी को घटाएंगे, लेकिन यहाँ घटाओ नहीं है, एंड यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन से लेस देन करने के लिए दोनों में माइनस सिंबल लगाना पड़ेगा, बिकॉज दो अगर ग्रेटर है वन से, अगर माइनस सिंबल लगा देंगे ना ये चेंज हो जाएगा माइनस, तो लेस देन माइनस वन हो जाता है। अपने दिमाग की खिड़की को खोल के आप इस बात को अंदर डाल लो, ऐसा होता है। ठीक, अगर इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस एल पी लेस देन माइनस जो इंटीग्रल पार्ट है उसको लिख लो अपना, दैट्स क्लियर। ये चीज़ को हम लोग यहाँ लिख लिए, फिर नीचे वाले चीज़ को हम लोग बड़े आराम से होले होले लिख लेते हैं, लिख लिए, इस दोनों को ऐड कर दो ना, यूपी माइनस एल पी हो जाएगा, ऐड जैसे करेंगे यूपी माइनस एल पी लेस देन था लेस देन, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन फिर प्लस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन होगा, यहाँ एप्सिलॉन बाय टू कर दो तो यहाँ आपका एप्सिलॉन हो गया, जो हमको प्रूफ करना है। बड़े आराम से डारबॉक्स सम से प्रूफ हो जाएगा आपका, लेकिन नहीं, डारबॉक्स सम इजी है इसलिए वो हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे कि आपको कुछ नया समझ में आए, डेट्स क्लियर। क्या चाहते हो, डारबॉक्स से कर दो या फिर इससे अगला मेथड, दूसरा मेथड करेंगे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया आखिर दूसरा मेथड का कुछ भविष्यवाणी कर दीजिए आप, बिल्कुल, तो मेरा चिरकुट कहाँ गया भाई, हाँ मिल गया चिरकुट, देखो यहाँ पर हमको जो है यूपी और एलपी का वैल्यू निकालना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि ये जो रीमान इंटीग्रेबल है, ये टोटल एरिया ये कैसे निकलता है, लोअर रीमान सम में जब हम सुप्रीमम वैल्यू लेंगे, सुप्रीमम वैल्यू कब, जब छोटा छोटा डिस्टेंस पर यहाँ पॉइंट लेंगे तो सारे पॉइंट का एक सेट बना लेते हैं जो बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस पर हो, और उस सेट को हम लोग नाम देते हैं पी वन, आई मीन पी वन कोई पार्टीशन है जिसके अंदर छोटा छोटा पॉइंट है, उस पी वन पॉइंट पर जब हम लोअर रीमान सम निकालेंगे तो वो आपका लोअर रीमान इंटीग्रेबल के बराबर होगा। अब यहाँ आप बोलोगे भैया लोअर रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए इसमें सुप्रीमम लगाना पड़ेगा आपको,
लेकिन हम इनडायरेक्ट रूप से कह रहे हैं कि पॉइंट जब छोटा छोटा लेंगे ना, इसका मतलब हो गया कि पॉइंट का डिस्टेंस टेंस टू जीरो है। जब पॉइंट का डिस्टेंस टेंस टू जीरो रहेगा सबका, तो ये सारा एरिया कवर हो जाएगा जो ऊपर पे खाली खाली है। दैट इज ये जो है पूरे रीमान इंटीग्रेबल को देगा। चूंकि हम लोग लोअर रीमान सम से फंक्शन की तरफ जा रहे थे, तो ये मेरा लोअर रीमान इंटीग्रेबल हो गया। सेम यही फंडा हम लोग अपर रीमान इंटीग्रेबल में भी कर लेंगे। क्या कोई ऐसा पी टू पार्टीशन ले लेंगे जिसके अंदर जो पॉइंट होगा ना, उसके बीच भी बहुत कम का डिस्टेंस होगा, इतना कम का डिस्टेंस होगा, लगभग टेंस टू जीरो डिस्टेंस है। उस कंडीशन में, उस पार्टीशन के लिए मेरा जो अपर रिमान सम है ना, वो फंक्शन के करीब आ जाएगा। दैट इज इस पर जो अपर रिमान सम निकालेंगे ना, वो मेरा अपर रिमान इंटीग्रेबल के बराबर होगा। दैट्स क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते थे, अगर हम पी वन नहीं लिखते थे, हम लोग सुप्रीमम लगाते। सुप्रीमम के हिसाब से हम पी वन लिए, पी वन एक ऐसा पार्टीशन मान लिए जिस पर जो है फंक्शन का वैल्यू सुप्रीमम हो रहा है। एंड अगर हम ये भी जानते थे कि इन्फिमम वैल्यू अपर रिमान सम का अपर रिमान इंटीग्रेबल के बराबर होता है, लेकिन पी टू ऐसा पार्टीशन ही ले लिए जिस पर अपर रिमान सम इन्फिमम हो। डेट्स क्लियर। अब देखो समझना है, अगर इसमें हम लोग एप्सिलॉन घटा दे इस पार्ट्स में, तो ये पार्ट्स छोटा हो जाएगा। और इस पार्ट्स में अगर हम लोग एप्सिलॉन जोड़ दें, तो ये वाला टर्म जो है इस टर्म से बड़ा हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया हमको यूपी माइनस एलपी निकालना है, ये क्या निकाल रहे हो भाई, यहाँ यूपी टू निकाल रहे हो, एलपी वन निकाल रहे हो। अरे भाई यूपी निकालो, यूपी अरे निकाल रहा हूँ भाई, यूपी का वैल्यू निकाल रही हूँ। अब पी क्या है? हम लोग पी मान लेते हैं कि पी वन और पी टू का यूनियन है। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं कोई पी वन ले रहा हूँ 1 3 5, पी टू 1 4 5, तो इस दोनों का यूनियन पी एक ऐसा मान लेते हैं जिसमें इस दोनों का एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, एक ऐसा हम लोग पी ले रहे हैं, तो पी बराबर पी वन यूनियन पी टू। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, आप बताओ कि पी पार्टीशन में जितना एलिमेंट है, क्या वह पी वन से ज़्यादा है कि नहीं है, पी टू से ज़्यादा है कि नहीं है? हाँ ज़्यादा है। इसका मतलब ये पी जो है दोनों का रिफाइनमेंट है। अच्छा, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, हमको यू पी और एल पी लाना है, मतलब पी वन की जगह और पी टू की जगह पर पी पार्टीशन लाना है। तो क्यों ना पी और पी वन का कंपैरिजन किया जाए। पी वन के लिए हम लोग लोअर रिमान सम दोनों में लगा लेते हैं। अब बताओ कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? अच्छा, इससे पहले हमको ये बताओ किसमें ज़्यादा एलिमेंट होगा। जिसमें ज़्यादा एलिमेंट पॉइंट, मतलब उसका लोअर रिमान सम उतना ग्रेटर, उतना एरिया कवर करता है लोअर रिमान सम। जैसे इसमें मात्र 2 पॉइंट था, तो लोअर रिमान सम इतना सही निकला। अगर ज़्यादा पॉइंट लेते तो ये सारा एरिया भी कवर होता। मतलब आप दिमाग में बैठा लो कि जिसमें ज़्यादा पॉइंट उसका एरिया उतना ज़्यादा। तो ज़्यादा पॉइंट किस में है? इसमें है। इसका मतलब इसका जो एरिया होगा ना, वो ग्रेटर देन होगा। सेम यही फंडा आपका यूपी के लिए भी चलेगा। हम पी टू की जगह पर पी लाना है, पी और पी टू के बीच कंपैरिजन करेंगे, इसमें भी यू लगा देते हैं। डेट्स क्लियर। अब बताओ पी टू और पी में कौन रिफाइनमेंट है? पी रिफाइनमेंट है, उसमें ज़्यादा पॉइंट होगा। जिसमें ज़्यादा पॉइंट उतना अपर रिमान सम इस फंक्शन के करीब आएगा, मतलब एरिया उतना कम होते जाएगा जितना ज़्यादा पॉइंट। इसमें ज़्यादा पॉइंट, एरिया कम, लेस देन। अब देखो, अब ला सकते हो आप पी वन की जगह पर पी, कैसे? देखो एल पी से छोटा ये टर्म है, और ये दोनों तो सेम है, इससे भी छोटा ये टर्म है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एल पी से छोटा ये टर्म होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे, एल पी से छोटा ये टर्म है। सेम यही फंडा यहाँ पर लगेगा, इससे बड़ा ये है, ये दोनों सेम, इससे बड़ा ये, मतलब यू पी से बड़ा कौन होगा? ये टर्म होगा। वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर भी लिख देते हैं। अब यहाँ सोचो हमको यू पी माइनस एल पी लाना है, अगर इसमें माइनस चिन्ह लगा दें तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे। माइनस चिन्ह लगाओ, और इस जिससे कि ये सिंबल क्या हो गया, चेंज हो जाएगा, सिंबल लेस देन का रूप ले लेगा। कब? जब हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। कैसे? जैसे 4 > 2 है, इसे माइनस का चिन्ह लगाओ, तो ये सिंबल हर चेंज हो करके सिंबल इसका कन्वर्स हो जाता है। अब दोनों साइन सेम हो गया, तो इस दोनों को जोड़ देते हैं, तो निकला मेरा यू पी माइनस एल पी। ऐसा करने से ये और ये टर्म कैंसिल, और ये दोनों टर्म जुट जाएगा, एप्सिलॉन बाय टू मेरा निकल गया एप्सिलॉन। यही जो हमको प्रूफ करना था। ये मेथड भी काफ़ी आसान है भाई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, यही मेरा स्टेटमेंट है,
इस रीमान इंटीग्रेबल का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का जो थ्योरम है उसका ये स्टेटमेंट है, जिसमें हमको रीमान इंटीग्रेबल कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उस कंडीशन में ये मेरा यूपी माइनस एल पी लेस देन एप्सिलॉन के बराबर होगा। यहाँ इफ लगा हुआ है, मतलब अगर इसको आप लेके चलोगे तो आपको ये प्रूफ करना होगा एंड सफिशियंट कंडीशन, इसको आप ये आपको दिया हुआ रहने पर आपको ये प्रूफ करना होगा, दैट्स क्लियर। और एक नेसेसरी कंडीशन में हम लोग को ये दिया हुआ है रीमान इंटीग्रेबल, तो हम लोग क्या जानते हैं कि लेफ्ट रीमान इंटीग्रेबल बराबर होता है राइट रीमान इंटीग्रेबल के। सीधा हम लोग इस टर्म पर आते हैं, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट ये पार्टीशन पी वन, हमको ये पार्टीशन ले रहे हैं जिससे मेरा ये टर्म आवेगा, इस टर्म को यहाँ पर लिख लेते हैं। एंड एक और पार्टीशन लेंगे हम लोग, अगेन देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी टू, और इस प्रकार पार्टीशन लेंगे पी टू कि ये कंडीशन होल्ड करेगा। इस चीज़ को हम लोग उस साइड लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम कोई पी ऐसा रिफाइनमेंट लेंगे जो पी वन और पी टू दोनों के यूनियन के बराबर है। लेट इसको और डिटेल कर देते हैं कि पी पी वन का भी रिफाइनमेंट है और पी टू का भी रिफाइनमेंट है। इस कंडीशन में ये दोनों इक्वेशन मैंने बताया था कैसे आया इसके पहले, देयरफॉर ये दोनों को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका मतलब है हैंस कि यूपी से छोटा ये टर्म है और इससे छोटा ये टर्म है, तो इस दोनों में क्या होगा, तो यहाँ पर इस एल पी से छोटा ये है और एल पी वन से छोटा ये है, सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये, इस दोनों का इक्वेशन बन जाएगा क्या, एल पी ग्रेटर देन ये टर्म एंड, और क्या बनेगा, यूपी से बड़ा ये है इससे बड़ा ये है, तो इस दोनों में सबसे बड़ा ये टर्म हो जाएगा, तो वही लिखेंगे हम लोग यूपी लेस देन ये वाला टर्म, दैट्स क्लियर, ठीक। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ लेस देन है, तो सबको एक सिंबल लाओ, क्योंकि हम लोग को एल पी माइनस में लाना है, हमको यू पी माइनस एल पी निकालना है ना, तो उसको माइनस में लेते आओ। एक काम करते हैं ना, इसको एप्सिलॉन बाय टू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एप्सिलॉन हो एप्सिलॉन बाय टू हो टू एप्सिलॉन, आपको समझ, बस आपको समझाने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ और कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो है इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जोड़ो, क्या यार जोड़ लो इस इक्वेशन और इस एडिक इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यू पी माइनस एल पी। चलो भैया आप कटिएगा, कट जाइए, बहुत खुशी हुई आपको कटते हुए देख करके, लेस देन एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू एप्सिलॉन हो गया, एंड यही हमको प्रूव भी करना था, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी सम कहते हैं, डेट्स क्लियर। ओमेगा पी से डिनोट करेंगे इसको प्रूफ, एंड इसका सफिशियंट कंडीशन तो और आसान है। अब हमको सफिशियंट कंडीशन में प्रूफ क्या करना है, क्या दिया हुआ है इसको देख लो पहले। हमको दिया हुआ है कि यू पी माइनस एल पी लेस देन एप्सिलॉन, ये हमको दिया हुआ है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये रीमान इंटीग्रेबल है। अब रीमान इंटीग्रेबल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, पता है आपको, नहीं पता है तो सुन लो, लोअर रीमान इंटीग्रेबल और अपर रीमान इंटीग्रेबल को बराबर करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए इसमें और इसमें, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है उसको समझना होगा इस टर्म में, ठीक है। अपर रीमान इंटीग्रेबल मतलब हुआ, अरे अपर रीमान इंटीग्रेबल बोलो या लोअर रीमान इंटीग्रेबल बोलो, यहाँ पर रीमान इंटीग्रेबल आया ना, समझो पूरे एरिया की बात की गई है, और अपर रीमान सम ये है, ठीक है। जब हम अपर रीमान सम से फंक्शन पर आ जाएंगे ना, जब ये टोटल एरिया बन जाएगा फंक्शन के नीचे वाला, तो वो अपर रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। लेकिन हमेशा जो यूपी होता है ना, उसमें एक्स्ट्रा एरिया भी आता है, मतलब यूपी ग्रेटर देन होता है, समझ रहे हो ये आप। हाँ, मे बी किसी खास कंडीशन के लिए इक्वल भी हो सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसी तरह हम लोग एक बार एल पी और लोअर रीमान इंटीग्रल को देख लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस चल रहा है अंदर ही अंदर। अब देखो एल पी जब भी होगा इसमें कोई ना कोई एरिया फंक्शन से कम ही रहता है, तो ये छोटा ही रहता है भाई, ठीक है। हाँ, मे बी किसी खास टर्म के लिए इक्वल भी हो सकता है, बस इसी दोनों टर्म को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ये टर्म हमको दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है ये टर्म, ये दोनों जो है इक्वल होता है, आई मीन रीमान इंटीग्रेबल किसी फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमको प्रूफ करना है। तो पहले ये हम लोग जानते हैं ना फ्रॉम डेफिनेशन से, इसको लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, हमको यूपी माइनस एल पी निकालना है। यूपी में अपर रीमान इंटीग्रल है, तो अपर रीमान इंटीग्रल प्लस में रहेगा, माइनस एल पी है
एलपी में लोअर रीमान इंटीग्रल, तो लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस में आना चाहिए, तो इसी को हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे ही इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका जो बीच का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू। एंड इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कुछ मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। अब हमको तो दिया हुआ है ये टर्म क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, चलो भाई लेस देन एप्सिलॉन हो गया, इसका मतलब ये टर्म भी आपका जो है लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ये हमको दिया हुआ है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये टर्म क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया, इसको उधर भेज दो। अपर रिमान इंटीग्रेबल निकल गया मेरा, जब हम लोअर रिमान इंटीग्रेबल में जो है ना एप्सिलॉन जोड़ देंगे, इसके बराबर हो गया। अच्छा अगर हम लोग एप्सिलॉन हटा दें तो क्या होएगा, ये टर्म तो रहेगा ही, इस टर्म में अगर हम लोग एप्सिलॉन हटा दिए तो जो ग्रेटर देन था उसमें से आपका इक्वल टू का साइन आ जाएगा, मतलब समझ रहे हो, इस दोनों को हटाने पर एप्सिलॉन आ रहा था, एप्सिलॉन को हटा के जीरो लेते आए, मतलब बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों इक्वल भी हो सकता है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखें। अब देखो हम लोग का प्रूफ हो चुका है, समझ लो आप, ये टर्म आया। इसी तरह हम लोग प्रूफ कर सकते हैं क्या, कि हम लोग इसके पहले जो थ्योरम में पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हो पता है आपको, नहीं पता तो सुनो, कि हम लोग लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल में ये तो बराबर होता था, लेकिन छोटा कौन होता था ऑलवेज, क्योंकि हम लोग अपर रिमान इंटीग्रल में अपर सम से इस फंक्शन पर आ रहे थे, अब अपर सम से फंक्शन पर आ रहे हैं तो जोड़ी तो नहीं है फंक्शन से नीचे आ जाएगा, अपर वाला हमेशा ग्रेटर रहेगा। हाँ जब हम लोग लोअर से फंक्शन पर जाएंगे तो हो सकता है कहीं कहीं फंक्शन पर अटैच ना करे, तो लेस देन भी कहीं कहीं हो सकता है, तो इतना याद रखो कि अपर रिमान इंटीग्रल ऑलवेज ग्रेटर, तो ये ग्रेटर है ये हम लोग जानते हैं। अब इसको इक्वेशन मान लो 5 एंड इसको इक्वेशन मान लो 6। अब दोनों इक्वेशन में देखो, एक बार अपर रिमान इंटीग्रल छोटा हो रहा है, एक बार अपर रिमान इंटीग्रल बड़ा के लिए फंक्शन आ रहा है, और इक्वल दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो आप कि दोनों बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, जब अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल दोनों इक्वल होता है ना, तो वो मेरा फंक्शन जो है रिमान इंटीग्रल होता है। तो यहाँ से मेरा प्रूफ हो गया कि फंक्शन क्या है, रिमान इंटीग्रल है ए से बी में। एक बात और, इस फंक्शन को आप मान सकते हो, यहाँ एफ एक्स टी एक्स भी लिख सकते हो, ये सारी बातें बाद में। एंड हम लोग का ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। और लास्ट बात, कि अगर आप रियल एनालिसिस से क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग से सारे वीडियो को कंप्लीट करो, तब आपको भली भांति समझ में आवेगा, वरना कुछ नहीं समझ में आवेगा। हाँ समथिंग समथिंग समझ में आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट रह जाएगा। तो सो आप लिस्ट में जाओ और सारे वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।